बर्फ की पहाड़ियों से गिरा खूबसूरत स्विस शहर दावोस अभी पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है। यहाँ आपकी नजर जिस ओर जाएगी वहाँ आपको भारतीय नजारे ही दिखेंगे। एक समय में स्वास्थ्य, पर्यटन और स्किनिंग के लिए मशहूर इस नगर में अभी दुनिया भर के अमीरों का जमावड़ा है और एक हफ्ते तक यहाँ दुनिया के बड़े बड़े नेता, अर्थशास्त्री और उद्योगपति विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ शामिल हुए हैं। और खास बात यह है कि दावोस की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर और चलते फिरते बस पर दावोस में अभी हर और सिर्फ भारत और भारतीय कंपनियों के विज्ञापन ही दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार ने यहां अपना लॉन्च स्थापित किया है, साथ ही आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने सेंटर्स खोल रखे हैं। इतना ही नहीं, विश्व कंपनियों से इधर कुछ भारतीय कंपनियों ने भी दावोस में अपने केंद्र स्थापित किए हुए हैं। गौरतलब है कि दावोस में साल 1971 से हर साल जनवरी में विश्व आर्थिक मंच की बैठक हो रही है और अभी इसकी 48वीं वार्षिक बैठक चल रही है। इसके कारण शहर में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि 5 दिनों के इस कार्यक्रम में दुनिया भर के करीब 3000 नेता शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ 2000 से ज्यादा पत्रकार भी जुटे हुए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।